साल में नाम चढ़ा है विमान का, मतलब एयरपोर्ट का, एरोड्रोम का, ये तो कम से कम 60-70 साल पहले चढ़ा हुआ है। मैं अपने बैटरी टैंसी ट्रैंसिकल के लिए आया था, ये बोल रहे सर आपको मिल जाएंगे एक घंटे के अंदर, आप बैठे रहो। और इसके अलावा क्या कुछ मांग आपने आपके सामने रखा? हाँ, मैं अपना दिया था सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट दिए थे। मैं अभी गौथान में चौकीदार के काम कर रहा हूँ, वहाँ पानी उनी डालता हूँ, गरवा गाय को चारा वारा देता हूँ, गोबर कचरा करता हूँ। वहाँ क्या है, अभी जो समिति है वो समिति वाले वहाँ गोबर बना रहे हैं, उसमें पानी वानी कुछ नहीं डाल रहे हैं। जब बोलते हैं ना तो अध्यक्ष को हमको निकाल देता है, उल्टा सीधा बोल देता है। वो भेज रहा हूँ बोला है, आदेश वहाँ भेज रहा हूँ। मैं बोले कि जांच के लिए भेज दो, है ना, किसान जो मैं भी किसान हूँ। जब गोबर बना रहे हो वहाँ को हमको 300 रुपया दे रहे हैं, हालांकि वहाँ का हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ फायदा नहीं हो रहा है। किसान लोग चिल्ला रहे हैं, प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव हटा नहीं रहा सरपंच। विमानपत्तनम के द्वारा भर्जन कर दिया गया, न उसका मेरे को मुआवजा दिया गया है, न किसी प्रकार का कुछ किया। मैंने कईयों बार आवेदन दे दिया है और उसके नक्शे में भारतीय विमानपत्तनम में दिखाया जा रहा है, और वहाँ जाने पर मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, न मेरी ज़मीन का प्रकाशन किया जा रहा है, न भर्जन किया गया और न मुझे मुआवजा दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में आपकी जन सुनवाई कर दी गई है और उसके तुरंत कार्रवाई करवाते हैं।